में जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ भैया आप सब। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। तो ज्यादा समय तो नहीं है भाषण देने का, लेकिन कुछ बातें हैं जो आप सब लोगों के लिए कुछ तो प्रचलित बातें हैं जो बार बार हम समाज में करते हैं। कुछ ऐसे पहलू हैं, एक दो ऐसे पहलू हैं बाबा साहब के जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बाबा साहब की मृत्यु हुई तो उनके घर से 50,000 किताबें मिली थी। कितनी? 50,000। और जब वो लंदन से वापिस आ रहे थे, जब वो लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, जब वापिस आ रहे थे तो उन्होंने 30,000 किताबें एक स्टीमर में, एक जज के सॉरी इसके जहाज में, जो पानी का जहाज होता है उसमें बुक करके पैक करा के रखी थी 30,000 किताबें। और वो जहाज रास्ते में डूब गया, वो किताबें भी उसके साथ डूब गई। मेरा ये बात आपको बताने का मकसद ये है कि अगर बाबा साहब की असली विचारधारा को जानना है, यदि उनके बताए हुए रास्ते पर असली मकसद को प्राप्त करने के लिए चलना है, तो आपके लिए तरह तरह की, हर प्रकार की, इतिहास की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, और जो जाति प्रथा हमारे समाज में व्याप्त है उसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, बार बार भिन्न भिन्न लेखकों की किताबों को पढ़ना आपके लिए जरूरी है, तभी आप बाबा साहब की विचारधारा को जान पाएंगे। वरना जय भीम बोलते रह जाओगे, बस जय भीम से आगे ही बढ़ोगे। अगर जय भीम से